सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए शिक्षा से छेड़छाड़ कर रहा है। भारत सरकार की मदद से हिमाचल प्रदेश के 8.5 लाख बच्चों को निशुल्क वर्दी दी जाती है और जो हम सुचारू रूप से देते रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने यह कहा है कि निशुल्क वर्दी अब जनरल कैटेगरी के बच्चों को 1 से 8 तक नहीं मिलेगी और आगे ये ऐड किया है कि 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को भी वर्दी नहीं दी जाएगी। यानी जहां 8,50,000 बच्चों को हम निशुल्क स्कूल वर्दी दिया करते थे, अब वहां केवल मात्र 3.5 लाख बच्चों को निशुल्क वर्दी दी जाएगी और 5 लाख बच्चे इस निशुल्क वर्दी से बाहर किए गए हैं, इसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं। साथियों, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने प्रदेश के बच्चों और अभिभावकों को एक और तोहफा दिया है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो पुस्तकें छपी हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चों को मिलनी है, उनकी कीमतें भी कई गुना बढ़ा करके सभी पर अतिरिक्त बोझ लादा है। इस प्रकार का यानी नहीं करने वाला काम भी इस कांग्रेस की सरकार ने किया है।